नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं हूं प्रणाशा गुप्ता रॉय, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और फाउंडर डायरेक्टर जीव सूत्रा प्राइवेट लिमिटेड। ये वीडियो एक ओपन चैलेंज है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ। 31 मार्च 2021 में उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ की थी यूट्यूब में, जिसका टाइटल था राइज एंड फॉल ऑफ वेस्ट बंगाल, कंप्लीट केस स्टडी ऑन बंगाली कम्युनिटी। जी हाँ, मैं एक बंगाली हूँ और डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिनका 16.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब में, उन्होंने जो वीडियो रिलीज़ की थी बंगाली कम्युनिटी और बंगाली लोगों के ख़िलाफ़, मुझे बहुत ह्यूमिलिएटिंग लगी, क्योंकि वहाँ पे 21 मिनट्स का वीडियो में उन्होंने 41 टाइम्स बंगाली लोगों को ह्यूमिलिएट किया है। वीडियो का शुरू में वो स्टार्ट किए थे ये बोल के कि हम बंगाली लोग सारा दिन हम मछली खाते रहते हैं, बोरोलिन लगाते रहते हैं और सौरभ गांगुली का रिपीट टेलीकास्ट बैटिंग देखते रहते हैं। वो ये भी बोले हैं कि हम बंगाली लोग मछली को वेजिटेरियन फूड समझते हैं। क्या वो हमें इतना बड़ा गधा समझते हैं कि हम मछली को वेजिटेरियन फूड बोलेंगे? कोई भी रेस्टोरेंट में अगर वो जाते हैं बंगाल में आके, और उधर वेजिटेरियन फूड का लिस्ट में क्या उन्हें फ़िश मिलेगा, मछली मिलेगा? सर, आप तो ये भी बोले हैं कि बंगाल में एंटरप्रेन्योर्स पैदा नहीं होते हैं, राइट? आप बोले हैं कि बंगाल में एंटरप्रेन्योर्स पैदा ही नहीं होते हैं। मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर हूँ, ओके? और अगर आप गूगल में जाके सर्च करेंगे कि फेमस एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम बंगाल और बंगाली फेमस बंगाली एंटरप्रेन्योर्स, आपको एक लंबा सा लिस्ट मिल जाएगा ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो बंगाली है। आपका वीडियो में शुरू से अंत तक आपने सिर्फ और सिर्फ आपने झूठा फैक्ट्स सामने लाया है। आपके इतने 16.4 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स है, 16.4 मिलियन लोग आज आपका ये वीडियो देख के वो समझ रहे हैं कि हम बंगाली लोग गधे हैं और इधर कोई डेवलपमेंटल काम ही नहीं होता है, हमें कुछ नहीं आता है, हम सिर्फ सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग ये सब ही करते रहते हैं सारा दिन, कोई बिजनेस के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई काम धंधे के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर ये सरासर झूठ है सर। थोड़ा अपना फैक्ट चेक करके तो वीडियो बनाइए आप। आपने बोला है कि हम बंगाली लोग लेज़ी होते हैं। हाँ, आप ही ने बोला है कि हम बंगाली लोग लेज़ी होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मेरा बेटा जब 15 दिन का था, ओनली 15 डेज, 15 दिन का जब वो था, उसको गोद में लेके मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था। 15 डेज, ही वॉज ओनली 15 डेज ऑफ एज, उसको गोद में लेके मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था। और ये जो आप बोल रहे हैं कि बंगाली लोग इतना लेज़ी होते हैं, जल्दी जल्दी वो लोग घर वापस आ जाते हैं ऑफिस के काम के बाद, तो बंगाल में काम धंधा होता कैसे है सर? आप बोल रहे हैं कि बंगाल में कोई बिजनेस नहीं करता है, पर आप ही का वीडियो में आपने मेंशन किया है कि यहाँ फूलों का मार्केट, फूलों का जो बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा बंगाल में होता है। और आप ये जो मछली खाने के बारे में बार 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 मेंशन कर रहे हैं ना, यही बिजनेस, फिश का बिजनेस, हमारा देश का GDP का 1% हमारा देश का GDP फिश बिजनेस से आता है। आपका वीडियो का डेट था 31 मार्च 2021, जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस चल रहा था। तो आप तो इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइट? तो आपका मोटिवेशन क्या है सर? पैसा, पॉलिटिक्स, या फिर सिर्फ यूट्यूब में वायरल हो जाना? क्योंकि आपका ये वीडियो देख के किसी भी इंसान को समझ में आ जाएगा कि आपका मोटिवेशन बंगाली लोगों का केस स्टडी नहीं है, बंगाली लोगों कैसे अपने आप को डेवलप कर सके इसके बारे में सजेशन देना आपका मोटिवेशन नहीं था ये वीडियो बनाने के पीछे। यस, आई एम वेरी सॉरी टू से, पर आपका फैक्ट्स जो आप बोले हैं, जो आप स्टेट कर रहे हैं कि बंगाली लोग लेज़ी होते हैं, यहाँ कोई एंटरप्रेन्योर्स पैदा नहीं होते, एक्सपोर्टर्स नहीं होते हैं, कोई डेवलपमेंटल काम नहीं हो रहा है वेस्ट बंगाल में, एकदम स्टेट ख़त्म हो गया है, वेस्ट बंगाल को आप वेस्ट बंगाल तक बोले हैं, आपने हमारा भाषा का मजाक उड़ाया है सर। बार बार आपने शुरू से अंत तक हमारे भाषा का मजाक उड़ाया है। आपका तो ये वीडियो को मैनिपुलेशन का अवार्ड मिलना चाहिए सर।
आप बोले हैं आपका ही वीडियो में कि आप कैलकटा आए थे, बंगाल में आए थे, बंगाल में आके आपने एक गरीब रिक्शा वाला के साथ 5 रुपये के लिए आपने बहस किया। 5 रुपीज़, आपका तो बड़ा बिजनेस है सर। 5 रुपीज़ के लिए गरीब इंसान जो सारा दिन हार्ड लेबर करता है, 5 रुपये के लिए आपने उसको इतना मैनिपुलेट किया। उसको मैनिपुलेट करने के लिए आपने उसको बोला तुम्हें अमर बंधु, उसका सेंटिमेंटल फैक्टर को लेके आप खिलवाड़ किए सर, और उसके साथ हम सभी का सेंटिमेंटल फैक्टर को लेके आप खिलवाड़ किए। यही 5-5 रुपये जोड़ के क्या बड़ा बिजनेस बनाया जाता है सर? आप बोले हैं कि हम सारा दिन बस सिंगिंग और राइटिंग और ये सब काम करते हैं, कोई कोर स्किल्स डेवलप नहीं करते हैं। सर मैंने आपका कोर्स किया है सर, बहुत मानती थी आपको, पर आपका ये वीडियो देखने के बाद और नहीं, क्योंकि आप जितना भी फैक्ट्स बोल के जो भी आप स्टेट किए हैं सरासर गलत है। मैं एक एक करके हर एक डिटेल्स में अगर जाऊंगी आपका वीडियो का एकदम पॉइंट बाय पॉइंट एनालिसिस, जो 41 फैक्टर्स आपने मेंशन किया है वेस्ट बंगाल के लोगों का सेंटिमेंट्स को लेकर, आप जो ह्यूमिलिएशन आपने किया है उनको, अगर मैं हर एक पॉइंट में जाती हूँ तो वीडियो 2 घंटा लंबा हो जाएगा। तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स निकाल के उधर से मैं समराइज़ करके आपको बोल रही हूँ, और यही आशा रखूँगी कि आप अगला वीडियो जब बनाइएगा ना थोड़ा रिसर्च करके बनाइए, ऐसे मैनिपुलेटेड डेटा मत दीजिए। आपका वीडियो में आपने बोला है कि बंगाली लड़कियाँ जीन्स के साथ मोटी बिंदी पहनती है। क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि बंगाली लड़कियों का फैशन सेंस बहुत ही घटिया है? सर सुष्मिता सेन जो मिस यूनिवर्स रह चुकी है वो भी तो बंगाली थी, और ये भी मुझे लगता है कि आपको शायद स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज ना थोड़ा कम है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि कुमकुम का बिंदी अगर लगाया जाता है तो वो आज्ञा चक्र यानी हमारा थर्ड आई को एक्टिवेट करता है, और थर्ड आई हमें फार साइटेडनेस देता है। शास्त्रों का नॉलेज या फिर स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज आप में थोड़ा कम है, इससे भी समझ में आता है, क्योंकि आपने बोला है कि हमारे इधर बंगाल में हम 10 दिन का छुट्टी लेते हैं दुर्गा पूजा में। नहीं सर, 10 दिन का छुट्टी इधर नहीं रहता है, सिर्फ 4 ही दिन का छुट्टी रहता है, और इमरजेंसी सर्विसेज तो सब चलते हैं तब। और हाँ, अगर छुट्टी लेता भी है कोई, 4 दिन का छुट्टी लेता भी है कोई, तो क्या छुट्टी लेना गलत बात है? आप तो सिर्फ बोल रहे हैं आपका वीडियो में कि घूमो छे बंगाली लोग घूमो छे। हमें सर पता है वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। सर श्री कृष्ण कहे थे कि रजस सतव तमस, ये 3 गुण का सही तालमेल सही बैलेंस रहना चाहिए कोई इंसान में, पर आप तो सबको इम्बैलेंस बना रहे हैं, आप तो सबको एकदम रजस ही प्रकृति में रहने के लिए बोल रहे हैं। छुट्टी लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है सर, आप भी कभी छुट्टी लेके देखिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा आपका। इनफैक्ट हफिंगटन पोस्ट, गूगल जैसे कंपनीज़ वो नैप ब्रेक्स अलाउ करते हैं अपने कंपनी में, थोड़ा रिसर्च करके देखिएगा सर। बंगाली लोग घूमो छे होबे ना ये बोलने से पहले थोड़ा रिसर्च करके देखिए। आप तो इतना हद तक आप बोले कि हम बंगाली लोग हम रेसिस्ट होते हैं और हम बाकी कम्युनिटीज़ के किसी भी इंसान के साथ हम मिक्स नहीं करते हैं, हम उन्हें ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो फिर इतने सारे बाकी स्टेट्स के लोग वेस्ट बंगाल में आए कैसे सर? यहाँ पे बिजनेस कैसे कर रहे हैं सर? आप ही का वीडियो में आप बोले ना, राइट? और ये जो आप स्वीपिंग स्टेटमेंट्स के ऊपर एक और स्टेटमेंट, झूठ के ऊपर झूठ, सरकाज्म के ऊपर सरकाज्म, आप शुरू से अंत तक आपका वीडियो में जो था बंगालीज के खिलाफ, क्या वो रेसिज्म नहीं है सर? हम बंगाली लोग माँ दुर्गा के पूजा करते हैं, और माँ दुर्गा होते हैं मल्टीटास्किंग के सिंबल। हम बंगाली लड़कियाँ, आप बोल रहे हैं कि हम बंगाली लड़कियाँ बहुत वोकल होते हैं सोशल इश्यूज़ को लेके, तो ऐसे वीडियो आप बनाएंगे जहाँ पे झूठ के ऊपर झूठ आप बोले जा रहे हैं, तो क्या ये वीडियो के खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, जलील होते रहेंगे ऐसे वीडियोस के द्वारा? माँ दुर्गा से हमने सीखा है मल्टीटास्किंग, हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम करते भी हैं। एक तरफ हम घर भी जैसे संभालते हैं, उसी ही तरह से हमें करियर भी संभालना आता है, हमें बिजनेस भी संभालना आता है।
हम अपना लाइफ को अच्छी तरह मैनेज कर पाते हैं। आपका वीडियो में आपने बोला है कि बंगाली लोग ममाज बॉय होते हैं। वेल, हम बंगालियों को पता है माँ का सम्मान करना, बड़ों का कहा मानना। हमें पता है औरतों का सम्मान कैसे किया जाता है। तो आप तो सर भगवद गीता पढ़े हैं ना, तो महाभारत का भी ज्ञान आपको होगा। महाभारत में तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे सब अपने मम्मी के, अपने माँ के कहा मान रहे हैं। तो माँ का कहा मानने से ही क्या सब ममाज बॉय हो जाते हैं? और ये जो आपने बोला है कि ईडन गार्डन ख़त्म हो चुका है, कैलकटा मेट्रो ख़त्म हो चुका है, सर थोड़ा फैक्ट चेक कर लीजिए सर, क्योंकि आपका वीडियो में फैक्ट नहीं है, सब आपका बनाया हुआ फैक्ट्स है, बनाया हुआ मैनिपुलेटेड डेटा है। आपने तो ये एक बार भी नहीं मेंशन किया कि जो सॉल्ट लेक स्टेडियम है, जिसको हम विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण बोलते हैं, वो पूरा दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम है, आपने तो ये एक बार भी नहीं मेंशन किया। सर, आप बोले हैं कि हम बंगाली लोगों को चुटकुला पसंद नहीं है। बंगाली सेंस ऑफ ह्यूमर समझने के लिए ना आपको बंगाली पहले सीखना पड़ेगा, वरना कैसे आपको समझ में आएगा बंगाली जोक्स। और आप अपना वीडियो में आप बोले हैं कि बंगाली लाउड होते हैं, शोर शराबा करते हैं, लाउड होते हैं क्या? हम यूनेस्को बोला है कि बंगाली इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, और आप हमें लाउड बुला रहे हैं? आपने तो बंगाली लैंग्वेज का पूरा मजाक बना के छोड़ा है सर। आप बोल रहे थे कि हम भोजन में बुलाते हैं लोग को, भोजन यानी भजन। हम ना इधर भजन नहीं बोलते हैं, हम कीर्तन बोलते हैं या फिर कीर्तन, हाँ यही बंगाली का करेक्ट टर्म है, कीर्तन। और हाँ, हम हरे कृष्ण बोलते हैं क्योंकि यही हमारा लैंग्वेज है, हम हरे कृष्ण बोलते हैं, आपको पसंद आए या ना आए यही हमारा लैंग्वेज है, और हमारा लैंग्वेज बहुत ही स्वीट है। थोड़ा बंगाली सीख के देखिए। आपने बार बार आपका वीडियो में गुजरात के साथ बंगाल को कंपेयर किया है, क्यों सर? गुजरात क्यों और स्टेट्स क्यों नहीं, बार बार गुजरात ही क्यों? आपने ये भी मेंशन किया है कि इधर रोड ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं है, रेल ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं है, एयर ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं है, स्कूल्स नहीं है, एडुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं है, इधर हॉस्पिटल्स नहीं है। सर फैक्ट चेक करके देखिए ना, थोड़ा फैक्ट चेक करके फिर वीडियो बनाइएगा, क्योंकि आपका ये वीडियो ना ये केस स्टडी नहीं है, ये एक फेक स्टडी है, केस स्टडी नहीं बुला सकते हम इसको। और सर, ये जो वीडियो आपने बनाया है ना, ये दुनिया के 32 करोड़ बंगालीज को इंसल्ट कर रहे हैं आप, शुरू से अंत तक। सर, 2016 का डेटा को लेके आप 2021 का पेंट कर रहे हैं, 2011 का डेटा लेके आप 2021 में पेंट कर रहे हैं। NCRB का रिपोर्ट अनुसार सबसे ज़्यादा वुमेन ट्रैफिकिंग महाराष्ट्र में होता है, बंगाल में नहीं, महाराष्ट्र में। और इनफैक्ट यही NCRB उनके मुताबिक कैलकटा या कोलकाता ये सबसे सेफेस्ट सिटीज़ इन द एंटायर कंट्री में आता है इसका नाम। और रही बात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, जो गुजरात के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, गुजरात का और बंगाल का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ऐसे मैनिपुलेटेड डेटा सबके सामने नहीं लाके, थोड़ा रिसर्च्ड डेटा अगर आप सामने लाते, या फिर आपका वीडियो में अगर ऐसा सजेशंस रहता कि कैसे बंगाली लोग अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे, तो वो हमारा ज़्यादा काम आता। पर आपका वीडियो वो सिर्फ डीमोटिवेशन का काम कर रहा है, आपका वीडियो सिर्फ इंसल्टिंग है हमारे लिए, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, झूठ के ऊपर झूठ आप बोले गए हैं। 41 टाइम्स एक 21 मिनट वीडियो में 41 टाइम्स आपने हम बंगाली लोगों को आपने इंसल्ट किया है, 41 टाइम्स सर, ये हम कैसे चुपचाप मान ले आपसे? आपसे तो एक्सपेक्टेड नहीं था। 2020-2021 का जो स्टेट बजट है, उधर हमारा ज़ीरो रेवेन्यू डेफिसिट प्रोजेक्टेड है, ज़ीरो रेवेन्यू डेफिसिट, और आप बोल रहे हैं कि हमारा स्टेट वेस्ट बंगाल नहीं, वेस्ट बंगाल है। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपसे पूछती हूँ,
ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स आपका है ना कि बंगाली लोग एम्बिशियस नहीं होते हैं, बंगाल में एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते हैं, बंगालीज लेजी होते हैं, कौन से डेटा के ऊपर बेस करके आपने ये सब बोला? ये जो पर्सनालिटी फैक्टर्स आप जनरलाइज कर रहे हैं, कौन से डेटा है आपके पास, कौन से डेटा के ऊपर आपने ये सब फैक्ट सामने रखा? आपका वीडियो 32 करोड़ बंगालीज को ह्यूमिलिएट कर रहा है, 32 करोड़ बंगाली है, आप सबको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। हम मिष्टी बहुत होते हैं सर, बहुत स्वीट होते हैं हम, पर अगर कोई ऐसे हमें जलील करे, ऐसे मैनिपुलेटेड डेटा देके अगर हमें जलील करे, तो याद रखिएगा हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी खून मौजूद है। और सभी दर्शकों को मैं बोलती हूँ, ये वीडियो शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो विवेक बिंद्रा तक जाए और उन्हें समझ में आए कि हम बंगाली लोग उनका मैनिपुलेटेड डेटा, उनका झूठ के ऊपर झूठ, उनका ह्यूमिलिएटिंग वीडियोस हमें मंजूर नहीं है। ये वीडियो आप अभी शेयर कीजिए। थैंक यू।